नमस्कार दोस्तों, वीएलई सोसाइटी में आप सही का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं या कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं और इलेक्शन वोटर आईडी सर्विसेज में काम करना चाहते हैं या इसके लिए रजिस्ट्रेशन किया था लेकिन अभी तक इसका आपको अप्रूवल नहीं हुआ है, तो कैसे आप इसमें नया रजिस्ट्रेशन करोगे और कैसे, अगर आपका अप्रूवल नहीं हुआ है, कैसे जल्दी से इसका अप्रूवल मिलेगा आपको और कैसा डैशबोर्ड दिखता है इसका अप्रूवल होने के बाद, वो सारी चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ बाकी दोस्तों पहुंचाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक वीएलई सोसाइटी मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिएगा, यहाँ से आप डायरेक्टली हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी दोस्तों बिना देर किए सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आपको मैंने लिंक दे दिया वीडियो डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से जाके आप सीएससी डुप्लीकेट वोटर आईडी प्रिंट या नया वोटर आईडी वगैरह बनाने का प्रोसेस जो है सीएससी के माध्यम से सीख सकते हैं। मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस दे दिया है बाय स्क्रीनशॉट्स और यहाँ पर वीडियो के माध्यम से भी सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ एक बार फिर से कि अगर आप एक नया वीएलई हो तो यहाँ पे कैसे अप्लाई करोगे, उसके बाद बताते हैं जिनका अप्रूवल नहीं मिला है उनको क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डिजिटल सेवा पोर्टल पे जाना होता है और यहाँ पे जाने के बाद आपको अपना जो भी सीएससी आईडी वगैरह है उसके साथ में इसको लॉगिन कर लेना होता है। ठीक है, जब भी यहाँ पे लॉगिन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे इंटरफेस आएगा, तो थोड़ा सा वेट कर लेना है कि ये पूरी तरीके से पेज लोड हो जाए। और जब ये पूरी तरीके से लोड हो जाएगा तो फिर आपको एक सर्च बॉक्स दिखेगा, तो यहाँ पे आपको सर्च कर लेना होता है एपिक या एक्शन। ठीक है, कुछ भी सर्च करोगे ये आ जाएगा, एप्लीकेशन फॉर एपिक 001 और सीएससी एपिक प्रिंटिंग। ठीक है, तो इसमें से किसी पे भी क्लिक करोगे तो आपको एक वेबसाइट पे ले जाएगा csc-election.in पे। और जहाँ पे जाने के बाद देखो ये एक डैशबोर्ड खुल गया है जहाँ पे आपका जो भी सीएससी आईडी है उसका दिया रहेगा, प्लस जो है यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर न्यू वोटर आईडी इसके लिए कर सकते हो, एक नया वोटर आईडी बनाने के लिए, और रजिस्ट्रेशन कर सकते हो दूसरे वोटर आईडी वगैरह को और चीज़ के लिए, डिलीट करवा सकते हो अगर किसी की ज़रूरत नहीं है, करेक्शन करना है तो वो कर सकते हो, और ट्रांसपेरेंसी यानी कि जो असेंबली के भीतर विधानसभा क्षेत्र के भीतर अगर उसको चेंज करना है वो कर सकते हो, रिप्लेसमेंट यानी कि आप उसका दूसरा पीवीसी प्रिंटर वगैरह अगर करना चाहते हो तो पीवीसी कार्ड प्रिंट वगैरह कर सकते हो, किसी का अप्लाई किया है तो उसका एप्लीकेशन वगैरह ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, ये सारी सर्विसेज आपको यहाँ से देखने को मिलती हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर आपका अभी तक अप्रूवल नहीं हुआ है, आपने अप्लाई किया हुआ था, तो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको इसका अप्रूवल मिलेगा, किस तरीके से ये काम आपको होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आ जाना है, फिर आपको सर्च कर लेना है यहाँ पे इलेक्शन। ठीक है, ऐसा करके आप जब यहाँ पे सर्च करोगे तो आपको फिर यहाँ पे आएगा इलेक्शन सर्विसेज के रजिस्ट्रेशन के लिए या सीएससी इलेक्शन सर्विसेज के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए, तो जो भी स्टेट है वहाँ के लिए आप इस पर क्लिक करोगे। हालांकि अभी एपिक 001 पे आओगे तो यहाँ पे मेरा तो वैसे रजिस्ट्रेशन हो गया है तो इसलिए मेरा रजिस्ट्रेशन पेज नहीं ओपन हो रहा है, लेकिन अदरवाइज अगर आप जाओगे तो जैसे कि मैं अगर अपना आईडी लॉग आउट कर देता हूँ, किसी दूसरे आईडी से लॉग इन करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं भी यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का मैं प्रोसेस दिखा सकूँ कि किस तरीके से आप इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हो अगर आपका अभी तक इसमें नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये अभी शायद यहाँ पे नहीं ओपन हो रहा है, तो मैं इसको इंडिको मोड में ले लेता हूँ। और वहाँ पे जाने के बाद जैसे ही आप अपने ब्राउज़र में अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उसको करोगे, तो वहाँ से आपसे सीएससी आईडी वगैरह पूछेगा, तो यहाँ पे सीएससी आईडी डाल के सबमिट करोगे तो यस करेगा, यस कर देना। और यस करने के बाद फिर आपका नंबर डाल के ओटीपी आएगा, और नंबर डालने के बाद ओटीपी वाले प्रोसेस के बाद आपको जो है यहाँ पे मैंने पूरा प्रोसेस दे रखा है कि ओटीपी डालने के बाद किस तरीके से आपको अपनी डिटेल्स भरनी है, और यहाँ पे पीवीसी कार्ड प्रिंटर वगैरह की डिटेल भरनी होती है। पीवीसी प्रिंटर के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो गूगल पे जाके सर्च कर लेना, हालांकि मैंने लिंक दिया है तो वहाँ से जाके आपको पता चल जाएगा कि ये एक प्रिंटर होता है पीवीसी इस तरीके का, तो ये सीएससी भी प्रोवाइड करता है, लगभग आपको 40 से 50,000 के कॉस्ट में आता है ये पीवीसी प्रिंटर, जिससे ये वाला पीवीसी कार्ड इलेक्शन वाला प्रिंट होता है। लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं परचेस किया है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि सीएससी से ही परचेस करिएगा, क्योंकि अगर बाहर से खरीदते हैं आप तो यहाँ पे आपको अप्रूवल में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, लेकिन अगर आपने सीएससी से ही खरीद रखा है ये प्रिंटर तो अगर आपका अप्रूवल नहीं हुआ है उसके बाद भी, तो अपनी डिटेल्स जो भी है आप सीएससी के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को आप ट्रांसफ़र करोगे तो वो आपका जो है विद इन 7 डेज के भीतर आपका अप्रूवल हो जाता है अगर आपने सीएससी से परचेस किया हुआ है। ठीक है, अगर आपने सीएससी से ये प्रिंटर वगैरह परचेस किया हुआ है और उसके बाद में आपका अप्रूवल हो जाता है, ये आपने बाहर से ख़रीदा है फिर भी आपका अप्रूवल नहीं हुआ, तब भी आप अपने प्रिंटर का जो सीरियल नंबर वगैरह होता है उसकी डिटेल और आपका जो सीएससी आईडी है ग्राम पंचायत वगैरह, वो आपको अपने सीएससी के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को भेजना रहता है, उनको भेजोगे तो फिर वो आपका जो है अप्रूवल करवाएंगे, लेकिन उसके साथ में आपको इनवाइस कॉपी वगैरह देनी पड़ती है। ठीक है, अगर नहीं होता तो आप स्टेट टीम से भी बात कर सकते हो, लेकिन अगर आपका अप्रूवल यहाँ पर हो चुका है और पीवीसी प्रिंटर वगैरह भी है आपके पास, तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर जाके
आपको करना होता है पीवीसी कार्ड ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे पीवीसी सर्च करोगे तो देखो पीवीसी एंड बायोमेट्रिक डिवाइस ऑर्डर, इस पर क्लिक कर लोगे और यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने फिर आएगा पीवीसी या इलेक्शन कार्ड प्रिंटर का आएगा। तो यहाँ पे देखो पीवीसी कार्ड एंड प्रिंटर बायोमेट्रिक ऑर्डर, इस पर क्लिक कर लेना। क्लिक करोगे तो देखो पीवीसी कार्ड इलेक्शन ऑर्डर, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे तो आपको डिटेल्स पूछेगा, जहाँ पे फिल करके लगभग आपको मिनिमम 500 क्वांटिटी में पीवीसी कार्ड इस तरीके का ऑर्डर करना होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके का ब्लैंक कार्ड आता है, जहाँ पे आप जब भी प्रिंट करोगे सीएससी से पीवीसी प्रिंटर के माध्यम से, तो वहाँ पे क्या करना होता है कि फ़ोटो और आईडी नंबर और एड्रेस उनका वहाँ से फिल होके आ जाता है, बाकी सारी चीज़ें प्रिंट रहती है, तो आपकी इंक वगैरह भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होती और अच्छा प्रोफेशनल लुक भी आ जाता है, ठीक है। तो ये ब्लैंक कार्ड आपको सीएससी से ही ख़रीदना पड़ेगा और ये कार्ड खरीदने के बाद ही आप ये प्रिंटिंग कर पाओगे। दूसरी चीज़, आपको अगर प्रिंटर आपने नहीं ख़रीदा हुआ है अभी, तो यहाँ पे जाओगे पीवीसी एंड कार्ड पे, तो ये पीवीसी प्रिंटर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो बायोमेट्रिक डिवाइस एंड प्रिंटर ऑर्डर पे जाओगे, तो यहाँ से आपको फिर पीवीसी प्रिंटर ऑर्डर करने का ऑप्शन आ जाता है। और अगर आपने अभी तक यहाँ पे नहीं ऑर्डर किया हुआ है पीवीसी प्रिंटर वगैरह के लिए, तो आप अपने सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के कांटेक्ट करोगे, वो आपको पूरा गाइड कर देंगे। सीएससी स्टेट टीम के साथ में भी कांटेक्ट करके आप ये सारी चीज़ें खरीद सकते हो, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा, और आशा करता हूँ आपने अगर अप्लाई किया होगा तो आप सभी को अप्रूवल मिल चुका होगा। अगर आपको अप्रूवल मिल चुका है तो एक बार चेक करके नीचे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर नहीं हुआ है तो वीएलई सोसाइटी मोबाइल ऐप के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि क्या क्या सीन है, क्या दिक्कत आ रहा है, तो मैं उसके बारे में आपको अलग से बता सकूँ। बाकी लिंक दे दिया है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से जाके आप पूरी इंपॉर्टेंट चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ सभी दोस्तों जरूर पहुँचाएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।